يلوم وناني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها. وبشر الذين آمنوا اور تو خوشخبری دے उन लोगों को जो कि ईमान लाए, बशरा युबशरों को खुशखबरी देना, तबशीर बिशारत भी इसमें इस्तेमाल होता है। अल्लाह दीन आमन जो ईमान लाए, आमन जो मिनों की बात पहले हो चुकी है, वहां ने सालेहात है और उन्होंने सालेहात किए, सालेहात सालेहा की जमा है, सालेहा से मुराद यानी असालेहात यानी अल आमाल सालेहात मुराद है, क्योंकि एक लफ्ज़ से ये तो सिफत है ना, मौसूफ तो नहीं इसमें बयान हुआ, इसलिए अमेलु के बाद आमाल नहीं लगाया और अमेलु वाले हाथ बजा कर दिया। उन्होंने कहा रहा है शाइस्ता शाह साहब ने किया है, अच्छे काम नेक काम किए। अन्ना लहुम बशर के बाद आम तौर पर बे का सिला आता है, बशर हो बशरा हूं बे का गाबा का गा, उसको फला चीज की खुशखबरी दी। और कभी कभी ये बे नहीं लगता और अन लगा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर हो अन कजा व कजा, बशर हो बे कजा व कजा। तो अन्ना इस वजह से आया है, दरमियान में आया है, इन्ना नहीं लगेगा। अगर कुल होता कुल लिल्लज़ीना आमनू तो फिर ये इन्ना हो सकता था, क्योंकि फाला के बाद इन्ना आता है, लेकिन कोई और फेल हो तो फिर कुल के बाद फिर वो अन्ना दरमियान में आता है। अन्ना लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार कि बेशक उनके लिए कुछ बागात होंगे या बड़े बागात होंगे, जन्नत उनकी जमा है जन्नात, जन्नत का मादा जीव नून नून है और जन्नत के मैंने ऐसे बाग के होते हैं घना बाग जिसमें यानी तफसील में वो मुफरदात वगैरह वाले जो बहस करते हैं, इतना घना बाग कि उसमें सूरज की रोशनी ना नीचे पहुंचे, छुपा हुआ होगा, तो उसमें जीव नून नून में छुपने का मायना भी होता है, तो जन्नत घने बाग के मायनों में इस्तेमाल होता है। उनके लिए होंगे जन्नात, जन्नात की नसब अन्ना की वजह से है, यानी असल में था अन्ना जन्नात लहुम, लेकिन लहुम पहले किया है, इस तरह से वो जार मजरूर मुकदम हो गया तो उससे जोर आ जाता है कि उनके लिए होंगे बागात। और जन्नात नकरा है मौसूफा, आगे तजरी इसमें मौसूल के माने पैदा हो जाते हैं, यानी यूं कहने के बजाय अन्ना लहुमुल जन्नात लती, कहने के बजाय जन्नात तजरी ऐसे बागात के बहते होंगे, तजरी जरा यजरी मैंने बहना और उससे मुअन्नस का सीगा है तजरी, अगर जुबान इजाजत देती तो एक तरह से ये जन्नात की सीफत हो सकती थी, जन्नात तजरी वो बागात जो बहते हैं, क्योंकि मुअन्नस भी सीगा है जन्नात के साथ वाहिद मुअन्नस लग भी सकता है, लेकिन नहीं जन्नत नहीं बहती, तजरी का फाइल आगे है अल अनहारो तजरिल अनहारो मिन तहतिहा, बहते हैं नहरे मिन तहतिहा उसके नीचे से, तख्त के मैंने भी नीचे ही होता है, अगर मिन न लगाए तो तहतहा होता, जर्फ मनसूब भी हो सकता था और कुरान में एक जगह इस्तेमाल भी हुआ है, तो मिन तख्त हा उसके नीचे से, तख्त जर्फ है, हा की जमीर जन्नात के लिए है, उन जन्नात के नीचे बैठे होंगे नहरे, मुराद उसके जिस तरह से भी लिया जाए कि दरख्तों के नीचे या जन्नात में, बबाहिर हा की जमीर तो जन्नात के लिए ही है। कुल्लमा अनहार नहर की जमा है, ये आम लफ्ज है और जमे भी है कुरान में इसकी, अनहरोन भी आया है शायद, कुल्लमा रोज़ुकू मिन्हा
कुल्लमा जब कभी भी, ये मेरे ख्याल में पहले आ चुका है, कुल्लमा अदा लहुम मशौफी, जब कभी भी, जब भी, ये गर्फ है शर्त के मानों में आया, रुज को वो दिए गए, यहाँ आप दिए जाएंगे, दिए जाते हैं के साथ भी तर्जमा कर सकते हैं, कुल्लमा के शर्त की वजह से रुज को अता किए गए, मिनहा उसमें से, हा की जमीर जन्नात के लिए है, नहरों में से नहीं, बगैर गुंजाइश हो सकती थी कि नहरों के लिए, कि नहरों में से उन्हें कुछ मिलता हो, लेकिन इबारत का तकाजा है कि हा की जमीर जन्नात के लिए हो, वरना ये माना कि पक्का तकाजा है, वरना फिक्रे को देखें तो मिना हा की जमीर नहरों के लिए भी हो सकती है। मिन समारा तिल, किसी किस्म के फल में से, यानी यूं भी हो सकता था रोजकू का पहला नायब फाइल तो हुम उसके अंदर है, दूसरा नायब फाइल जो है वो नसब में आता है, मसलन रोजे का जैदुन, फर्ज कीजिए आप कहें समरा तन, क्यों कहेंगे तो रोजकू मिनहा समरा तन होना चाहिए था, लेकिन इससे मिन लगा है, जैसे वो ऊपर आया अखराजा मिन समरा थे, इसमें कुछ का मायना तबई जिसे कहते हैं पैदा होता है फल में, किसी किस्म के फल में से। अब इसके मिन का भी तर्जमा रखे और समरा के नकरा होने का भी, क्योंकि उसमें भी कोई फल था, फिर कोई फल में से किसी ने किया, मालूम नहीं उर्दू वालों ने इसको किस तरह निभाया है, इसका तर्जमा करें कि जब कभी भी उनको दिया जाएगा या दिया जाता है उसमें से किसी किस्म के फलों में से, लफ्जी तर्जमा तो ये बनता है, मुहावरे में किस तरह से किया है नहीं कह सकते कि रिज़्क़न, ये रोज़िकु का मफ़ऊल भी हो सकता है लेकिन समरा तिल का हाल भी हो सकता है, यानी ये फल उनको रिज़्क़ होते हुए दिया गया उसका हाल हो, समरा जो दिया गया है उसका रुख, क्योंकि अगर रोज़िकु रिज़्क़न हो वो तो फिर मफ़ऊल मुतलक आएगा, उसका इतना दूर जाना शायद गुंजाइश कम हो, लेकिन फिर समरा तिन के जिक्र की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये समरा तिन के बारे में यह है कि वो समरा या फल का जो कुछ हिस्सा उनको दिया जाएगा वो बताओ रे रिज़्क़, इसलिए आपसे देखें तो तमीज का मैंने भी इसमें पैदा होते हैं, रिज़्क़न भले हाज रिज़्क़ के उनको दिया जाएगा, बताओ रिज़्क़ के दिया जाएगा, हाल की भी गुंजाइश, हाल की भी गुंजाइश है, तमीज की भी गुंजाइश है। कालू तो वो कहेंगे, ये कुल्ला माँ का जवाब है और माजी का हम हाल से ये मुस्तकबल से तर्जमा करेंगे, हा अल्लज़ी ये वो है जो के, हा अल्लज़ी रुज़िक़ना हम दिए गए, हम अता किए गई थी हमको, ये भी मजूल है, ये वो चीज है जो के हम दिए गए थे, मिन कबलो पहले भी, मिन कबल के बाद मुजाफ इले खत्म है, इसलिए लाम पर पेश आया है, ये इस लफ्ज का फायदा है, मिन बाद और मिन कबल, मिन कबल हाजा के मानों में ये आया है, यानी इससे पहले, हाजा होता तो फिर लाम की जेर हो सकती थी, मिन उड़ जाता तो कबल हाजा भी हो सकता है, तीन इस्तेमाल इसके होते, मिन के साथ बजरूर भी हो जाता है, मिन के बगैर नसब में रहता है, और मुजाफ इले ना हो तो फिर मिन के बावजूद मुजाफ ना हो तो मिन के बाद भी कबल रहता है, कुरान में कम अज कम एक जगह शायद इस्तेमाल हुआ है, सूरत तूर में मेरे ख्याल में, बहरहाल व उतूब ही मुतशाबिहा, ये वाव हालिया हो सकती है, हालांकि या और के मानों में भी हो सकता है, ज्यादा बेहतर लगता है कि हालांकि तर्जमा करें, उतूब ही देखिए अता या थी, आना इसका मैना होता है, पढ़ा आपने, और अता भी लाना, और लाना से उतूब ही अता हो का मैना देना भी बनता है, ये आता योती से तो नहीं है कि वो दिए गए, वरना होता उतू देही, ये तो है उतू उते या यो, अता यासी से उते या, और उते या से बनेगा उते यू, और फिर वो बनेगा उतू, तो उतू वो लाए गए भी उसके साथ, वो उसके साथ लाए गए लफ्जी तर्जमा है, और फिर बा मुहावरा तर्जमा इसका फेल मजूल में करें, यानी
अतो भी वो लाए, उतु भी उनके लिए लाया गया, ये मायना होगा। अतो भी फेल मारूफ बनेगा, वो लाए, उसी का मजहूल बनाए तो बनेगा उतु भी उनके लिए लाया गया या उनको दिया गया। वो अगर लाना का मायना वो था तो फिर देना, लेना और देने का मायना होगा। इस वजह से तर्जमा देना किया गया है। शाह साहब ने किया आबुर्दा शबक उनके लिए लाया जाएगा, क्योंकि अता भी ही लाया, उतिय भी ही लाया गया, यूं बनेगा ना मजहूल। अता भी ही वो आदमी लाया, उतिय भी ही वो चीज लाई गई जो भी हो, तो इस तरह से उतु भी ही लाई गई चीजें जमा उनके लिए मुतशाबहन फिर हाल है, मिलती जुलती ये जो चीजें उनके लिए आ रही है उनके लिए हाल है। उतूब ही उनके लिए लाया गया मुतशाबहन मिलता जुलता। अब ही की जमीर किसके लिए, बे के वजह से तो लाने का ले जाने का मायना होगा, लेकिन ही की जमीर ये फिर रिज्क के लिए है, यानी उनको जो रिज्क दिया जा रहा है वो उससे पहले मुतशाबे लाया गया उनके लिए, फिर बामुआवरा तर्जमा दे दिया किया करें, दिया किया होगा क्या बाद में तर्जमा, क्योंकि असल में दिए गए का मैंने नहीं बनता। दिए गए का मैंने तब होता अगर होता तू तू, क्योंकि आता योटी मैंने देना होता है ना, ये तो है उतू, अता बे वो लाया, उते या बे वो लाया गया, तो इस तरह से उतू भी उनके लिए लाया गया मुतशाबे, लाया गया का मैंने शाह साहब ने इसीलिए अबुर्दा शबक किया। हालांकि उनके लिए लाए गई वो चीज मुतशाबे होते हुए, ये है लिटरल ट्रांसलेशन। मायना वही है लेकिन असल बुनियाद का पता होना चाहिए, क्योंकि ऊतू और उतू में तो फर्क है ना, वो बाबे फाल से है, ये तलासी का है। तो उतू भी उनके लिए लाया गया मुतशाबे होते हुए, फिर बाबा मुहावरा तर्जमा करेंगे कि मिलते जुलते उनको दिए गए। हालांकि यानी उन्होंने कहा कि हम पहले भी दिए गए थे, हालांकि वो उससे पहले उससे मिलती जुलती चीज दिए गए, वो नहीं थी जो वो समझ रहे, ये तो मायना तो खैर क्लियर है। वाला हम थी हा, इसीलिए इसके तर्जमे में बड़े बड़े घपले लोगों ने किया है, वाला हम थी हा और उसमें होंगे, उसमें उनके लिए होंगे। लहुम, ये लहुम किसके लिए है, अल्लज़ीना आमनू, जो बस्तर अल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहात आया उनके लिए, फीहा की हाकि जमीर जन्नात के लिए है। अज़वाजुन मुतहरतुन पाकीज़ा, बीवियां तर्जमा किया गया है और ये दुरुस्त है हमारे नजदीक। अज़वाज वैसे ज़ौज की जमा है और ज़ौज मियां बीवी का ज़ौज है और बीवी मियां का ज़ौज है, अरबी में तो इस तरह से है। इसके पीछे ज़ौजा की ते लगाने की अरबी में जरूरत नहीं होती। मुताहरतुन जमा मुकस्सर की सिफत आई है, इसलिए वाहिद मोनस है, अज़वाज की सिफत वाहिद मोनस ही आनी थी, तो इसलिए यहाँ ज़ौज से मुराद तर्जमा जो किया गया है बीवियां होंगी, वाला हम, क्योंकि लहुम के लिए तो फिर जमीर यही करनी पड़ेगी। बाज़ हज़रात इससे घबराए और उन्होंने कहा जो उनको पाकीज़ा साथी मिलेंगे वगैरह वगैरह, चुनाचे परवेज ने बेचारे ने इसका तर्जमा यही किया है। के लिए फिर क्या होगा वो तो एक अलग बात है और जवाब उसके दिए जा सकते हैं, लेकिन उसने उसको अवॉइड करने के लिए रुजू कर दिया। और बाज जगह ज़ौज का तर्जमा उसका अच्छा भी है, मसलन वो आता है ना सूरत अल फुरकान वाली, हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रत आयुनि, सबसे मासी का भी जमा मुतकल्लम का, तो हमारे जोड़ों में से हमें अता कर। वो औरतों की दुआ भी उसी तरह हो सकते हैं जिसकी तरह वो मर्दों की हो सकती है। हबलना मिन अज़वाजना का तर्जमा अक्सर करते हैं हमें अता कर हमारी बीवियों से, वहां अगर तर्जमा करें औरत के लिए अगर कर लें कि हमें अता कर हमारे औरतों की तरफ से हो, कि हमारे खानदों से अता कर हमें आंखों की ठंडक, तो बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। मुझे मतलब जमा मुतकल्लम का ठीक है, वो मुसक्कर मोहन्नस के लिए भी होता है और औलाद के लिए भी हो सकता है, लेकिन वहां तो अज़वाज के मायने दोनों ही हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। यहाँ ये है कि पिछले लहुम की वजह से यहाँ तर्जमा तो फिर वो औरतों के साथ ही करना पड़ेगा, या तो होता वाला हुन थी यहाँ अज़वाज मुतहरा, तो तब तो बात थी कि औरतों को भी अज़वाज मुतहरा मिलेगी। या जॉर्ज की जमा है
और زوج میاں بیوی دونوں پر استعمال ہوتا ہے اردو میں پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے انگریزی میں بدل آیا سپاؤں اور وہ بھی ملکہ اور بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے غالباً عام آدمی کے لیے تو نہیں استعمال ہوتا سپاؤز کا لفظ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو میاں بیوی دونوں پر بولا جائے جوڑا بھی نہیں کہہ سکتے وہ اس لیے جنہوں نے ترجمہ سما کیا ہے وہ ایڈیم کے لحاظ سے ترجمہ کیا لفظی ترجمہ نہیں ہے اگر عورتیں ترجمہ کسی نے کیا ہے تو وہ ازواج و میں نے زوجات کیا ہے اور اس لحاظ سے درست ہے ورنہ ترجمہ تو جوڑے کا ہی بنتا ہے وہم فیھا خالدون یہ واو حالیہ نہیں ہے اس کو واو بیان کے کہتے ہیں حق بیان جس کو کہتے ہیں آگے مزید ڈسکرپشن کے لیے کیونکہ نہ تو کسی چیز پر اثر پہلے نہ یہ حال ہے اس لیے یہ اب سے بیان کیسے کہہ سکتے ہیں ایک الگ فکرہ ہے وہم فیھا خالدون یا واو استئناف کی بھی ہو سکتی ہے یا اب سے بیان کہہ لیں اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یعنی ہم خالدون فیھا خلدا یخلدو کہ میں نے کہا ہمیشہ رہنا اور اس سے اسم فاعل خالدون ہے وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے رہنے والے ہیں یا ہوں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا اسم نصب میں ہے لا یستحیی نہیں اب یہاں یستحیی کا شاہ صاحب نے بھی کیا ہے شرم نہیں شرم نہ دارا یہ فارسی کا محاورے کا ترجمہ ہے اردو میں کریں اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا ہے کر سکتے ہیں یستحیی کا مادہ ہے جے جے ہے یعنی اس کا عین اور لام کلمہ دونوں جے ہیں ہے یہ جے اور اسی سے جب بناتے ہیں حیا ان تو یہ جو حمزہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جے سے ہی بدلا ہوا ہے کیونکہ اصل تو تھا نا حیا یون پھر وہ الف ممدود کے بعد جو باو یہ جے آتے ہیں وہ حمزہ میں بدل جاتی ہے تو مادہ یہی ہے حیا کا اس کو باب استفعال میں لے جائے تو استحیا یستحیی یستحیی کی دو یوں کو جمع کرنے کے لیے بچانے کے لیے بعض دفعہ اس کو یستحیی بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن یہاں قرات میں یستحیی ہے اور یی کو اس طرح سے لکھا گیا ہے یہ کے نیچے زیر دے کر میرے خیال میں مصری قرآن مجیدوں میں یوں نہیں لکھا ہوگا وہاں اوپر ایک لمبی یہ لکھی ہوگی مانا شرم کرنا حیا کا اظہار کرنا یہ معنی ہے سورت قصص میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ناتا آگے ہم پڑھیں گے وہ جن لڑکیوں کے انہوں نے پانی پلایا جانوروں کو اور پھر وہ ان میں سے ایک لڑکی واپس آتی ہے بلانے کے لیے کہ میرا باپ تمہیں کچھ مزدوری دینا چاہتا ہے وہاں یہی لفظ آیا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء کہ وہ حیا ظاہر کرتے ہوئے چلتی تھی تو استحیاء کا میں نے حیا کا اظہار کرنا حیا ظاہر کرنا یوں ہے آپ اردو میں ترجمہ شاید اس کا جھیپنا بھی کر سکتے ہیں اور اسی لیے بعض نے لا یستحیی میں کہ اگر ہم ترجمہ کریں اللہ شرم نہیں کرتا اس لیے ذرا اردو میں تو بڑا لغو سا ترجمہ معلوم ہوتا ہے اس لیے بعض نے یہ بھی ترجمہ کیا اللہ اس بات سے نہیں جھیپتا کہ آر آر کا ترجمہ بھی یہ کر آر آر حیا اور آر میں فرق تو ہے لیکن اردو کے لحاظ سے کچھ درستی ہے تو لا یستحیی ان معنوں میں جو بھی آپ ترجمہ مناسب سمجھے بہرحال لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اس سے کوئی حیا معنی نہیں آتی اس بات سے این یا وربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال غربا کے کئی استعمالات ہیں ان میں سے ایک ہے غربا مثلا غربا فعل ہے غربا یا وربا لیکن غربا مثلا کا معنی ہوتا ہے مثال بیان کی یعنی مزے کی بات ہے کہ بیان کے لیے یہاں عربی میں ایڈیم ہے کہ ضربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ورنہ بیان کرنے کے لیے اور لفظ تو ہے عربی میں قالا یا بیانا یا کچھ یا ابانا کوئی ہوتا لیکن نہیں ضربا مثلا تو اس کا ترجمہ شاہ صاحب نے تو لفظی کیا ہے بے سند داستان ممکن ہے فارسی میں داستان سند محاورہ ہو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اردو میں مثال مارنا کوئی محاورہ نہیں ہے اس لیے اردو میں تو ترجمہ مثال بیان کرنا ہی ہوگا کسی نے مثال مارنا بھی کیا
हाँ, मिसाल देना, मिसाल बयान करना, डिस्क्रिप्शन देना, इन मायनों में आता है। वाराबा मसालन, इसी से ज़रबुल मिसल का एक लफ्ज है, तो यानी वो एक आम बयान की करने वाली चीज है, प्रोवर्ब के मायनों में आता है। मसालन मा, कि वो बयान करे कोई मिसाल किसी किस्म की। ये जो मा आया है, ये एक लकड़ा किसी चीज को गैर मुतय्यन करने के लिए बाद में लगाया जाता है। मसलन हम किसी आदमी को कहें ना, आतनी किताबम मा, मुझे कोई किताब दे। आतनी किताबन का मैंने कहा ना, मुझे किताब दे, उसके बाद आप मा लगा दो, इसका मायना होगा कोई सी किताब मुझे दे दो। तो कोई सी, या जिसे अंग्रेजी में एनी का साथ आप जाहिर करते हैं, ये मा मफूल के बाद लगा देते हैं और मायना वही होता है। गिव मी एनी बुक, आतनी किताबम मा, अय्यवरबा मसलम मा, कि कोई सी मिसाल बयान करे, यूं तर्जमा हो जाए। एक मिसाल नहीं, कोई सी मिसाल, ये माँ की वजह से तर्जमा इसका होगा। मसलम माँ शायद एक जगह कुरान में और भी इस्तेमाल हुआ है, बहरहाल आम खतों पर भी इस तरह से माँ लिखते हैं। बगूदतन फमा फसा है, ये बगूदतन बदल है मसल का, यानी मसाला बगूदतन कहना था और उसकी उसके बदल के तौर पर आया बगूदतन मच्छर। असल में बगूदा मच्छर के भी बच्चे को कहते हैं, मच्छर के लिए गालबत अरबी में और लग जाए, मेरे जेन में नहीं आ रहा है सब, बगूदा देखना पड़ेगा। बगूदा बहरहाल मच्छर के भी बच्चे को के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो बगूदा हो। फमा फौकाहा, पस जो उससे ऊपर है, यहां फा या के मानों में एक तरह का अर्थ आया है, फमा उससे, फमा फौकाहा या उससे ऊपर हो। फौकाहा से क्या मुराद है, कि मच्छर या उससे बड़ा मुराद है, फिर ऊपर चलते जाए तो बड़ी मिसाल आएगी। और बाद ने कहा कि उसने छोटाई में उससे भी आगे हो, यानी इससे भी नीचे के मानों में भी ये फौक यहाँ इस्तेमाल हो गया, यानी मच्छर या उससे भी आगे के मायनों में, ऊपर यानी छोटाई में, सिगर में, हकारत में, उससे भी ऊपर हो। इन मायनों में बाग ने कहा कि फमा दूनहा के मायने में फौकाहा, और वैसे फौकाहा के मायने तो ऊपर ही होते हैं, और फौक ज़र्फ़ आता है, जो चीज है उससे ऊपर। फमा फिर जो चीज है उससे ऊपर, ये तर्जमा होगा फमा फौकाहा का। तो आप बांगला तर्जमा तो मच्छर के बच्चे या उससे उससे कुछ ऊपर की मिसाल दे, जो भी करे। हाँ, मच्छर ये है मच्छर, लेकिन मुझे याद पड़ता है इस वक्त जेल में नहीं है, तो कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि बहुदतन मच्छर के बच्चे को कहते हैं, मच्छर के लिए फारसी में मेरे ख्याल में और लफ्ज है अरबी में, इस वक्त मेरे जेल में नहीं आ रहा, पढ़ा जरूर है। बहरहाल मच्छर तर्जमा कर रहे तो कोई गलत भी नहीं है। अब इसकी तस्वीर वगैरह मुख्तलिफ की गई है, वो तो एक अलग बात है, कुरान में ऐसी मिसालें हैं। तो अम्मल्लज़ीन आमनू, बस वो लोग, अम्मा, ये अम्मा जो है ये एक शर्त और जवाब शर्त की किस्म का लफ्ज है, वैसे शर्त होता नहीं, लेकिन इस लिहाज से शर्त से मिलता जुलता है कि ये किसी इजमाल की तफसील बयान करने के लिए आता है अमूमन, और इसका एक जवाब आता है, उस पर फे जरूर आती है, इस लिहाज से ये शर्त से मिलता जुलता है। शर्त और जवाब शर्त से मिलता जुलता इसका इस्तेमाल है, जिस तरह से शर्त के लफ्ज के बाद फिर आगे फे आती है, तो अम्मा लफ्ज शर्त तो नहीं है इस लिहाज से, लेकिन इसका जो यूजेज है वो शर्त की तरह है, और इसके जवाब पर फे लाजम आती है, और ये इस्तेमाल रहा होता है जहां आपने एक बात थोड़ी सी करके फिर आगे उसकी तफसील देनी है। उर्दू में इस तरह इसका तर्जमा और जो तो खुला है इसके साथ तर्जमा होना चाहिए, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में एज रिगार्ड सच एंड सच, और आगे फिर बयान करते हैं, इस तरह का उर्दू में मैं नहीं कह सकता कि तो जो तो कुछ इस तरह से तर्जमा किसी ने किया होता है,
और जो तो जो अम्मा आना के अम्मा के साथ तर्जमा किया और अम्मा खुद अरबी लग जाए फारसी में इस्तेमाल इसी मैंने में आता है और वो जो अल्लज़ीना आमनू और वे भी ईमान लाए तो उनका किस्सा ये है यूं तर्जमा होगा फअम्मा अल्लज़ीना आमनू और वो भी ईमान लाए तो फयालमूना तो वो जानते हैं ये फा जवाब पे आता है हमेशा अम्मा हो या फा अम्मा हो इसके जवाब पर एक थे आती है जरूर मसलन कहेंगे अम्मा ज़ैदन फहो वकज़ा वकज़ा और जो ज़ैद है वो तो ऐसा ऐसा है तो और जो के मैंने कर ले फअम्मा अल्लज़ीना पस जो तो है ईमान वाले ये तर्जमा करें फअम्मा पस जो तो ईमान वाले हैं फयालमूना वो तो जानते हैं अन्नाहुल हक को कि बेशक वो हक है अन्नाहू की खबर मार्फ आई है अन्नाहू अल हक को हकुन्ने का मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से यानी अल हक को मिर रब्बिहिम वो हक है उनके रब की तरफ से ये मिर रब्बिहिम अल हक के नजीक सिफत है वह अम्मल लजीन का फरू और जो है काफे फिर वही तर्जमा करेंगे उर्दू में तो इसके सिवा चारा नहीं अम्मा ये हमारे यहाँ आम है तकरीब में भी कहते हैं अम्मा बाद और इसके बाद यूं तर्जमा करते हैं अम्मा लजीन कफर और रहे वो जो काफिर है फयकूलून फिर देखिए के आया वो तो यूं कहेंगे या कहते हैं माज़ा अराद अल्लाह क्या इरादा किया अल्लाह ने बेहाजा इससे मसलन बलहाज मिसाल के या मिसाल देते हुए का हाल बना ले अल्लाह ने क्या चाहा इससे मिसाल देते हुए मिसाल बनाते हुए यानी फिर बाबा औरा का जमा इसको मिसाल देकर अल्लाह का मतलब क्या है ये यूं तर्जमा होगा रह गया मा झा तो माँ इकट्ठा भी मा झा इकट्ठा भी इस्तेफाम होता है और अलग भी अलग अगर अलग माने तो फिर सा का माना हाजा होगा माहजा माहजा ये क्या है जो कि अल्लाह ने इरादा किया है इसके जरिए से लेकिन बेहतर यह है कि माहजा को इकट्ठा माने वो भी तो इस्तेफाम का होता है क्या है अराद अल्लाह अल्लाह ने इरादा किया मसलन बेहाजा मिसाल देते हुए इस चीज के साथ और बामुआवरा तर्जमा करेंगे इस मिसाल के देने से अल्लाह का इरादा क्या था अरादा युरीदो रे वाल मादा होता है और अरादा युरीदो बाबे इफ़ाल है अल्लाह का इरादा क्या है इस चीज के साथ देखिए यू नहीं कहा माजा अराद अल्लाह बेहाजल मसल वरना तो सीधा तर्जमा होता है ना इस मिसाल से अल्लाह की गरज क्या है ना माजा अराद अल्लाह बेहाजा मसल इस चीज से अल्लाह का क्या इरादा है बतौर मिसाल के यूं हाल के तौर पर आ जाएगा माना और बामावरा अगर इस माना को करें तो बजाय अब उर्दू में तो करें इस मिसाल के देने से अल्लाह का क्या इरादा है फिर वही इस मिसाल हो जाएगा उन्होंने इस मिसाल दिया बहरहाल बेहाल मसल नहीं है जो उर्दू में हम तर्जमा करने पर मजबूर है उर्दू में बामावरा यही होगा कि इसके बतौर मिसाल लाने से अल्लाह का इरादा अगर ज्यादा से ज्यादा करीब असल के भी रहे और अरबी उर्दू मुहावरे का भी रखें ख्याल तो गालबन तर्जमा कुछ यूं बनता है कि इसको बतौर मिसाल लाने के अल्लाह का इरादा क्या है ये तर्जमा बने युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा गुमराह करता है उसके साथ बहुत से लोगों को और हिदायत देता है उसके साथ बहुत से लोगों को कसीरन दोनों जगह सिफत है इसका मौसूफ अंडरस्टूड है क्योंकि कसीर का सिफत है ना रिजालन कसीरन कहे निसान कसीरन भी हो सकता है क्योंकि कसीर का लफ्ज मुज़क्कर मुअन्नस दोनों पे बोला जाता है वबस्ता मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसान उसमें भी कसीरन का लफ्ज अंडरस्टूड है इसलिए बहुत से लोगों मर्दों औरतों इंसानों जो भी कर ले वो मकबूल है उनको गुमराह करता है और हिदायत देता है इसमें एक तो ये है कि युदिल्लो और यादी का फायल कौन है और दूसरे यह है कि बेही की जमीर दोनों की किस चीज के लिए जाती है ही की जमीर युदिल्लो का फायल तो फिर अल्लाह ताला ही बनता है यहां
अगर तो होता भटकते हैं और हिदायत पाते हैं उससे बहुत से लोग, तो फिर और बात थी। लेकिन यहाँ यूं तो नहीं कहा ये दिल भी, और फिर वो कसीरन भी ना हो सकता, फिर तो कसीरन होना चाहिए था, फाइल होता। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अवल्ला ये दिल गुमराह करना और हदा यदि हिदायत देना, ये इसका फाइल तो अल्लाह ताला है। रह गया भी ही, क्या ये कुरान के लिए, क्या ये इस मिसाल के लिए, इसके इम्कान दोनों रह जाते हैं। क्योंकि ही की जमीर उसके जरिए से हिदायत देता है और उसकी वजह से गुमराह करता है, या तो ऐसी मिसालें और इस किस्म की आयतें जिसके मजमून में शक के इतराज़ की गुंजाइश बहरहाल इंसानी जेन के लिए पैदा हो जाती है, या तो वो मुराद है और या वो मिसाल आ गई, फिर मिसाल के लिए जमीर है। और अगर कुरान के लिए ले जाए तो इससे बहुत पहले कुरान का जिक्र आया वो मिम्मा नज़लना, फिर तो उस कंटेक्स्ट में जाके हम कह सकते हैं कि कुरान मुराद है। नियरेस्ट मर्जा जो है वो तो हाजल मसल। आमतौर पर मर्जा का कायदा ये है कि जो पिछली इबारत में नियरेस्ट आया हो वही मर्जा होना चाहिए। तो फिर नियरेस्ट मर्जा तो ये मिसाल है, कुरान तो बहुत पीछे उसका जिक्र हुआ है। इस सूरत में तर्जमा फिर बन तो सकता है कि वो इस मिसाल के जरिए से बहुतों को गुमराह करता है, बहुतों को हिदायत देता है। ठीक है, फिर वो गुमराह करता है और हिदायत देता है धांधली से या किसी तरीके से। आगे दो ही बातें हैं, या तो जो मर्जी कर दे या किसी हिकमत से करे। तो धांधली और बगैर सोच समझ के करना अल्लाह के लिए हम इसलिए भी नहीं दुरुस्त मानते कि कुरान ने बहरहाल अल्लाह के लिए हकीम की सिफत बयान की है। हकीम का कोई काम यूं ही अंधाधुंध नहीं होता, लिहाजा अल्लाह और न भी होता, कुरान में हकीम की सिफत जो खुदा के लिए बयान हुई है तो युदिलो और याकसरो और जो अजबों में जो उसकी नसीहत का जिक्र आता है वो हिकमत से अलग तो नहीं है, उसकी दानाई से अलग नहीं है आपका तर्क। और आगे क्लियर है वमा युदिलो बही, और नहीं वो गुमराह करता, ये मा नाफिया क्योंकि मौसूल नहीं हो सकता, और वो चीज जिसको वो गुमराह करता है, लेकिन आगे इल्लल फासिकीन आ रहा है इसलिए मा नाफिया है। वमा युदिलो बही इल्लल फासिकीन, नहीं गुमराह करता उसके साथ, फिर भी ही की जमीर वही मिसाल के लिए ले, मगर फासिकों को। फासिकीन जो यहाँ नसब में आया है ये युदिल्लो का मफ़ऊल है, इल्ला का इस्तिस्ना नहीं है, इसलिए कि इल्ला से पहले फिक्रा मुकम्मल ही नहीं हुआ, मुस्तस्ना मिन हो बयान ही नहीं हुआ। तो इस वजह से वो माँ और इल्ला दोनों को हटा दे तो फिक्रा बनता है वही युदिल्लुल फासिकीन, वही युदिल्लो बिल फासिकीन। तो फासिकीन युदिल्लो का मफ़ऊल है, नहीं गुमराह करता उसके जरिए से मगर फासिकों को।